चैनल देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर जोरदार स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें कि गोवर्धन से आ रही है। गोवर्धन तहसील के सहारा गांव का है, जहां पर मुकेश पुत्र पूना सैनी द्वारा अपनी दमगई दिखाते हुए जितेंद्र पंचाल के घर के सामने आपको बताया चले कि यहां पर गोबर को डालकर इकट्ठा किया गया है। आइए हमारे साथ बने रहिए, पूरी खबर पर एक बार नजर डालते हैं और पूरा कारण जानते हैं। मामला गोवर्धन तहसील के लिए सहार गांव का है, जहां के लिए मुकेश पुत्र व पूना सैनी द्वारा अपनी दबगाई दिखाते हुए जितेंद्र पांचाल के घर के सामने गोबर को डालकर इकट्ठा किया जा रहा है, और जिसके चलते जितेंद्र पांचाल के लिए घर में गोबर से आने वाली दुर्गंध एवं कीड़े मकोड़े की समस्या बनी हुई है, और जिसकी शिकायत जितेंद्र पांचाल पीड़ित के द्वारा व स्थानीय चौकी में से दर्ज करवाई गई है। और मगर दबंगों की दबगाई को देखते हुए पुलिस भी उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाई है, और वह आज जितेंद्र पांचाल तथा उसके परिवार के लिए स्थिति इस प्रकार हो गई है कि वह अपने मकान व दुकान को वह बेच कर गाँव से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अब देखना यह कि शिकायत के बावजूद भी मुकेश सैनी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेता है, या फिर जितेंद्र पांचाल ऐसे वह गरीब परिवारों को दबगाई के दबगा चलते वह गाँव के लिए वह यूं ही वह पलवान करना पड़ेगा। और वह अब देखना यह है कि प्रशासन मुकेश सैनी के ऊपर क्या कानूनी व चाबुक चला पाएगा। कहाँ के रहने वाले हो? गांव सहार। क्या प्रॉब्लम है आपको? दबंग लोग मेरे घर के सामने गोबर डाल रहे हैं। बीच में 10 फुट रास्ता है, जो इस समय 7 फुट बचा हुआ है, जो मौके पर आज भी मौजूद है। इसकी शिकायत मैंने चौकी इंचार्ज से भी की थी। चौकी इंचार्ज से करने के बाद में मैंने लेखपाल से भी की है, परंतु मुकेश पुत्र पूना सैनी ने इस गोबर को 3 साल से लगातार इसी जगह डाला हुआ है और ना ही इसको हटाया है। इन अधिकारियों के कहने के बाद भी मुकेश पुत्र पूना ने गोबर को हटाने से मना कर दिया चौकी इंचार्ज से। और इधर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने अपने घर का पानी सड़क पर दिया हुआ था, वहाँ पर मोहन पुत्र रामस्वरूप सैनी ने मेरे पानी को, घर के पानी को बंद किया हुआ है, बंद लगाया हुआ है। अब इन लोगों के कारण मैं अपने परिवार को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये लोग मेरे को भगा रहे हैं। सैनियों ने मन बना लिया है कि ये यहाँ से ये परिवार छोड़कर दुकान मकान जाए, तो मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं आपकी अपनी आवाज़ उठाना इसलिए चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को अधिकारियों के कान में पहुंचे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।